बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से जहां सुशासन की हवा निकाल कर रख दी, तो वहीं स्थानीय प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल अपराधियों ने आज अवैध खनन की चेकिंग में गए खनन पदाधिकारी उमेश चौधरी को अपना निशाना बनाया और उन पर गोलीबारी की। गनीमत रही कि उमेश चौधरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मामला बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के लौका टोल की है। फिलहाल खनन पदाधिकारी उमेश चौधरी के द्वारा मटिहानी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आज सूचना मिली मोबाइल पे कि पसपुरा ढाला के पास जो है अवैध खनन हो रही है, जिसके सत्यापन के लिए हमारे यहाँ जिला खनन में जो हमारे होम गार्ड हैं इनको लेकर मैं गया पसपुरा ढाला। ढाला से जैसे ही आगे बढ़े तो देखे कि गाड़ी जो है लद कर अवैध खनन किया हुआ मटेरियल लेकर आ रहा है, उजला बालू और जिसमें मिट्टी भरा हुआ है। करीब जो है 10 गाड़ी जो है पकड़ा गया। एक गाड़ी को जो है थाना में लाई पुलिस के द्वारा और बाकी जो है गाड़ी हम लोग आगे बढ़कर सोचे कि जितनी है खनन स्थल तक देखें। इसी बीच में करीब 20-25 के संख्या में लोग आए, गाड़ी भी छोड़ा लिए। हमारा 2 गाड़ी थी जिसको शीशा पूरा तोड़ दिया गया, हम पर फायरिंग किया गया। अभी हॉस्पिटल में आकर यहाँ पर अपना इलाज के लिए आया हूँ और प्लस प्राथमिकी दर्ज कराया हूँ मटिहानी थाना के अंतर्गत। किस जाल की भाषा में पप्पू सिंह, सुबोध, कार सिंह ये सब नाम ले रहे थे आपस में, लेकिन मैं किसी को पहचानता नहीं। दरअसल आज जिले के खनन पदाधिकारी उमेश चौधरी को सूचना मिली थी कि मटिहानी थाना क्षेत्र के लौका टोल में दर्जनों गाड़ियों से अवैध तरीके से बालू की खुदाई एवं ढुलाई की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर उमेश चौधरी पूरे दलबल के साथ लौका टोल की ओर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही वह पसपुरा ढाला पर पहुंचे तो तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां बालू एवं मिट्टी भरकर आ रही थी, जिसे खनन पदाधिकारी के द्वारा रोका गया और उनमें से 1 गाड़ी को मटिहानी थाने भी भेज दी गई। इतने में खनन माफियाओं की पूरी टीम मौके पर जमा होने लगी और तकरीबन 20 की संख्या में खनन माफिया मौके पर पहुंच गए और पदाधिकारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ करने लगे, जिसका विरोध करने पर माफियाओं ने उमेश चौधरी पर गोली चला दी। गनीमत रही कि उमेश चौधरी ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। इस हमले में उमेश चौधरी मामूली रूप से घायल भी हुए हैं तथा उनकी गाड़ी को भी अपराधियों ने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। फिलहाल पीड़ित पदाधिकारी के द्वारा अज्ञात माफियाओं के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय।